हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए एक बंगाली स्वीट डिश की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे हम दूध पुली भी कहते हैं। ये डिश टेस्टी के साथ साथ बहुत ज्यादा हेल्दी भी होता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर सब्सक्राइब का जो लाल बटन है उसे क्लिक कीजिए, और उसे क्लिक करने पर एक बेल आइकन आएगा, उसे क्लिक करना बिल्कुल ना भूले, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं वो आप तक मिल जाए। और फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 2 कप्स सूजी। सूजी को हम पहले ड्राई रोस्ट कर लेंगे, मीडियम फ्लेम में सूजी को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं सूजी लाइट ब्राउन कलर का हो गया है, इसका मतलब ये रोस्ट हो चुका है। अब हम डालेंगे इसमें 4 कप पानी। 2 कप सूजी लिया था मैंने, और मैं पानी डालूंगी इसमें 4 कप। पानी डाल के इसको आपको कंटिन्यूअसली स्टिर करना है, ताकि यह लम्स ना हो जाए। और फिर हम इसको ढक के 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे। अब हम देखते हैं इसको। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से हो गया है। अब हम गैस को ऑफ करके इसको ठंडा होने के लिए कुछ देर तक रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, सूजी हमारा हो चुका है। मैंने सूजी को एक प्लेट में निकाल लिया है, और पैन को फिर से गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं यहाँ पे नारियल को फ्राई करूंगी। मैंने यहाँ पर लिया है 1 नारियल, उसको मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इस नारियल को मैं यहाँ पे डाल दूंगी। स्मॉल साइज का 1 नारियल लिया मैंने, और इसको ग्रेट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे डालूंगी मैं 5 टेबलस्पून चीनी। ये आपके स्वाद के अनुसार है, आप कम भी डाल सकते हैं, और मीठा ज्यादा पसंद है तो ज्यादा भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हमें कोई भी ऑयल का जरूरत नहीं है, क्योंकि नारियल में ऑयल होता है, इसी से ये फ्राई हो जाएगा। इसे हमें लो फ्लेम में फ्राई करना है 3 से 4 मिनट। ये देखिए फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट हो चुका है। चीनी और नारियल अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे, और इस नारियल को हम एक बॉल में निकाल के रखेंगे। इसको हमें ज्यादा फ्राई नहीं करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिया है 3 बड़े साइज के स्वीट पोटैटो। इसे मैंने पहले से बॉईल करके पील ऑफ करके रख दिया है, और इस स्वीट पोटैटो को हम यहाँ सूजी के साथ मिक्स कर देंगे। स्वीट पोटैटो और सूजी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने मिक्स कर लिया है सूजी और आलू को। अब हम इसमें थोड़ा सा आटा मिक्स करेंगे इसके बॉन्डिंग के लिए, ताकि ये एक सॉफ्ट डो बनके तैयार हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके यूज कीजिए, और अपनी हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से एक सॉफ्ट डो तैयार कर लीजिए। फ्रेंड्स, आटा हमने इसलिए यूज किया ताकि इसकी एक बॉन्डिंग हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, एक सॉफ्ट डो बनके तैयार हो चुका है ये। अब हम इसके स्मॉल स्मॉल पीसेस बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे छोटे छोटे बॉल्स बना लिए हैं। अभी हम एक बॉल को इस तरह से लेंगे, हाथों में थोड़ा सा आटा ले लेंगे, और इसको एक बॉल का शेप देंगे इस तरह से हाथ से दबाते हुए। ये देखिए, और फिर इसमें हम स्टफिंग करेंगे फ्राई किया हुआ नारियल से। इसको हम इस तरह से बंद कर देंगे।
ये देखिए, अच्छी तरह से इसको बंद करना है। आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं, गोल शेप भी दे सकते हैं इसको। अच्छी तरह से इसका बंद कर देना है। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें और भी बना लेने हैं। थोड़ा सा आटा ले लीजिए, अपने फिंगर के मदद से इसको बॉल का शेप दे दीजिए। ये देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारा यहाँ पे बना लिया है। ये बनके तैयार हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। मैंने यहाँ गैस ऑन करके कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब मैं यहाँ पे 1 लीटर दूध डालूंगी। और गैस को हाई फ्लेम में कर दीजिए ताकि ये दूध अच्छी तरह से गर्म हो जाए। जब तक ये दूध गर्म हो जाए तब तक हम दूसरा कुछ और काम कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच खजूर के गुड़। उसको मैंने ग्रेट कर लिया है गुड़ को, और उसके बाद मैं यहाँ पे ठंडा दूध डाल के इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लूंगी। अच्छी तरह से गुड़ और दूध को मिक्स करके ये देखिए फ्रेंड्स, दूध हमारा बॉयल हो चुका है। इसमें बॉयल आ गया है। इसको हम अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट बॉयल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 4 से 5 इलायची जिसको मैंने क्रश कर लिया है। हम इसे यहाँ पे एक एक करके डाल देंगे जो मैंने तैयार करके रखा था पहले से। ये देखिए, मैंने सारा यहाँ पे डाल दिया है। अब हम डालेंगे इसमें चीनी। चीनी आपके स्वाद के अनुसार है। मैं यहाँ पर 5 से 6 टेबलस्पून डाल रही हूँ। थोड़ा सा हल्का सा इसे मिक्स कर लीजिए। 5 से 6 मिनट हम इसे कुक होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 4 से 5 मिनट हो चुका है। यहाँ पे बॉयल भी आ चुका है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई किया हुआ नारियल मैंने बचा के रखा था, उसी नारियल का हम यहाँ पे दे देंगे। और फिर से इसको अच्छी तरह से हल्के हाथों से, ध्यान रखिए हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लीजिए। इसको हम तब तक बॉईल करेंगे, इसको हम तब तक कुक करेंगे जब तक ये थोड़ा सा और गाढ़ा ना हो जाए। ये देखिए, थोड़ा सा और गाढ़ा ना हो जाए तब तक हम इसे कुक कर लेंगे। अब हम इसमें दूध और गुड़ जो मैंने मिक्स करके रखा था पहले, उसको मैं यहाँ पे डाल दूंगी। फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दीजिए
और हल्के हाथों से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब फ्लेम को थोड़ा हाई कर लीजिए। जब तक ये गुड़ और दूध अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए, हम इसे और थोड़ी देर कुक कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, गुड़ और दूध अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब ये हमारा बंगाली स्वीट डिश यानी दूध पुली बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे और ठंडा होने के बाद हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्लेट में निकाल लिया है और ये हमारा बंगाली स्वीट डिश बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैं इसे यहाँ थोड़ा सा ग्रेटेड नारियल से गार्निश कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आज आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को जरूर लाइक दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। टेक केयर।